जय मसीह की। जब हम परमेश्वर को खोजना चाहते हैं या उसको पाना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे मती उसके दूसरे अध्याय में कि ज्योतिषी जो थे वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह पैदा हो गया है, और वो उस तारे को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो तारे को देख करके जाएंगे तो तारा उनको उस मार्ग में पहुंचाएगा जहां पर यीशु मसीह, या उस स्थान पर पहुंचाएगा जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए हैं। और जब वो तारा ज्योतिषियों को देखा, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब ये ज्योतिषियों ने वो तारे को देखा तो ज्योतिषी जो थे वो आनंदित हुए, और वो उस तारे ने उस मार्ग को दिखाया। और जब वो मार्ग में जाते रहे तारे को देखते देखते तो उस बालक के पास पहुंचे जो प्रभु यीशु मसीह थे, और आनंदित होकर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपनी भेंटें चढ़ाई। आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है। जब हम अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे रास्ते और ऐसे मार्ग खोलते हैं कि हम परमेश्वर के पास पहुँचते हैं। आनंदित होता है हमारा मन, हमारा मन खुश होता है, हमारा मन निराश नहीं होता है, हम हर एक प्रकार के दुख से आज़ाद हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है। तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को खोजें। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो आप निराशा नहीं परंतु आनंद को अपने जीवन में देखेंगे। इफिसियों 2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर इसलिए भेजा कि वो हमें हर एक पाप से आज़ाद करे। जबकि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसके वचनों के अनुसार चलते हैं तो आज परमेश्वर का वचन हमें इफिसियों उसके 2 अध्याय में कहता है कि अब हम शरीर की लालसा को पूरा नहीं करते अपने जीवन से, पर परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जो आज्ञा मानने वाले परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें, ना कि अपने इस शरीर की अभिलाषा को या संसार की अभिलाषा को पूरा करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जबकि हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने का हमने वायदा कर लिया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमें कि हमें सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना, हर एक पापों से अपने आप को बचा करके रखना, परमेश्वर की इच्छा को, सिद्ध इच्छा को अपने जीवन से पूरा करते हुए सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना है, और अनंत जीवन का सहभागी होना जो परमेश्वर ने हमारे। आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे मत्ती उसके 11 चैप्टर उसके 28 वर्स पर लिखा हुआ है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह हमारे बोझ को हल्का करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी समस्याओं को हल्का करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी परेशानियों को हल्का करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने देश को मुझ पर डाल दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान है, वो हमारी तकलीफों को जानते हैं, परेशानियों को जानते हैं, चिंताओं को जानते हैं, हमारी समस्या को जानते हैं, पर वो एक बात चाहते हैं कि वो उनके नज़दीक आए, हम अपनी परेशानियों को उनके चरणों में रखें, हम अपनी समस्याओं को उनके चरणों में रखें। जब चार व्यक्ति एक बीमार था उसको ला करके परमेश्वर के चरणों में रखा, उसको लाने के लिए परमेश्वर के चरणों में उसको उन लोगों को बहुत मुश्किल था, उन्होंने क्या करा, छत के छप्परों को खोल दिया और छत से उस व्यक्ति को जो बीमार था लटका करके प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दिया ताकि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करें। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको देखा तो उसे चंगा किया। आज परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आए, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना, वो हमें अपने पास बुलाते हैं ताकि वो हमारी परेशानियों का हल निकाल सके और हमारे लिए हर एक बंदोबस्त कर सके। परमेश्वर के सज्जन से आप सभी को आशीष मिले।